वेलकम टू टीटीसी बीएलडब्ल्यू वाराणसी। माई सेल्फ संजय कुमार सीडब्ल्यूआई इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट, वोल्टेज, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर, मोटर, ब्लोअर, पंप, जनरेटर, ब्रेकर, केबल्स, बैटरी, पावर सप्लाई, अर्थिंग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें चार्जेज फ्लो करते हैं, तो प्रति सेकेंड जब टाइम के अगेंस्ट में कितना चार्जेज फ्लो किया वह करंट कहलाती है। 1 एम्पियर करंट हम किसे कहेंगे? जब कोई सर्किट से 1 कूलम चार्जेज प्रति सेकेंड उस सर्किट के थ्रू फ्लो करती है तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। इसकी मात्रक एम्पियर होती है जिसे कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, तो डीटी टाइम में उस कंडक्टर के थ्रू यानी ए भी डीटी चार्जेज फ्लो करेगी। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर इसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो करंट इक्वल टू हो जाएगी एन ई ए भी, जहां एन इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इक्वल टू है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ए इक्वल टू है क्रॉस सेक्शनल एरिया, भी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दो तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, एक होता है क्लोज सर्किट होता है, एक होती है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट के मतलब होता है कि उस सर्किट के थ्रू चार्जेज अथवा करंट फ्लो कर रहा है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि उसके थ्रू ना तो चार्जेज फ्लो कर रही है ना तो करंट ही फ्लो कर रही है। फ्लो ऑफ चार्जेज कैसे करेगी? जब कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो उस कंडक्टर के थ्रू चार्जेज फ्लो करेगी। चार्जेज फ्लो तब तक होगी किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में जब तक दोनों एंड का पोटेंशियल समान ना हो जाए। किसी भी कंडक्टर में आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग करते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग करते हैं, इसलिए किसी भी सर्किट में नेट चार्जेज 0 होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ लीविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगली स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जानेंगे कि दो तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको एसी बोलते हैं। डीसी करंट का डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एवरी टाइम चेंज होता रहता है। इस स्लाइड में हम डीसी करंट और एसी करंट का ग्राफ दिखाया गया है जिसमें डीसी करंट स्ट्रेट लाइन में है जबकि एसी करंट साइनसॉइडल वेव में है, जिसमें पता चलता है कि एसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ईच एंड एवरी टाइम चेंजेज होते रहता है। किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है जबकि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। रेसिस्टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। रेसिस्ट किसी भी मटेरियल में जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके थ्रू यदि करंट बहता हो तो उस करंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है
जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, यह मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आर इजकल टू रो इंटू एल वाई ए। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अब हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ओम्स लॉ कहती है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। यदि उस वे फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता हो, दैट इज विजिकल टू आई आर। यदि रेसिस्टिव कोई सर्किट है तो सीरीज में यदि जुड़ी हुई हो तो उस सर्किट के थ्रू करंट हमेशा इच रेसिस्टर के क्रॉस कॉन्स्टेंट होती है, मतलब इक्वल होता है। जबकि पोटेंशियल ड्रॉपेज अथवा वोल्टेज ड्रॉपेज ईच एंड एवरी रेसिस्टर के क्रॉस वेरी करता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉपेज अथवा वोल्टेज इक्वल होता है, जबकि करंट ईच एंड एवरी ब्रांच में डिफर होती है। यहाँ पर डायग्राम में एक सीरीज सर्किट का, एक पैरेलल सर्किट का, एक मिक्स सर्किट का ड्राइंग दिखाया गया है। अब हम वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे। कह रहा कि वोल्टेज क्या होती है? वाईफाई इलेक्ट्रिक प्रेशर जो कि करंट को बहने में मदद करता हो। किसी भी कंडक्टर का दो पॉइंट पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगी। वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डाउन अपॉन चार्जेज। अब होता है कि वन वोल्ट किसे हम कहेंगे? यदि वन कूलम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यदि वन जूल का वर्क डाउन होती हो तब हम उसे हम वन वोल्ट कहेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ द वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, जबकि वोल्टेज का मात्रक वोल्ट भी डिनोट करते हैं और करंट को एम्पियर एफ डिनोट करते हैं। टाइप ऑफ पावर, पावर ट्रायंगल यहां पर दिया हुआ स्लाइड में है। इसमें तीन तरह के पावर दिखाए गए हैं। एक है रियल पावर जिसे पी से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर जिसे क्यू से डिनोट किया गया है, एक है अपेरेंट पावर जिसे एफ से डिनोट किया गया है। इसमें एक एंगल फाई दिखाया गया है। यहां पर रियल पावर जो एक्स एक्सिस पर है इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई, जिसको हम वाट में उसकी इकाई होती है, जबकि रिएक्टिव पावर क्यू होता है जिसे हम वी आई साइन फाई से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट वी आर होता है। अपेरेंट पावर एफ इक्वल टू वी आई होता है। यहां पर देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज एफ है तो बेस हमारा रियल पावर है, जबकि हाइट जो है रिएक्टिव पावर है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब अपेरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू हो गया रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। पावर फैक्टर क्या है? तो यह एक रेशियो है, रियल पावर टू अपेरेंट पावर का रेशियो है, जिसको पावर फैक्टर इक्वल टू होता है रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई इक्वल टू कॉस फाई। इसका क्या महत्व है? कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, अथवा इलेक्ट्रिकल लोड को तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है रेसिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव लोड होता है, तीसरा कैपेसिटिव लोड होता है। रेसिस्टिव लोड में प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रियल पावर अपेरेंट के पावर के बीच में एक एंगल होता है। जब हम वोल्टेज और करेंट
के बीच में यदि एंगल जीरो होती है तो वी आई कॉस फाई इक्वल टू वन हो जाती है, क्योंकि एंगल जीरो है तो वी आई जो पावर होती है रेसिस्टिव लोड में दोनों के बीच में यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई एंगल नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि अपेरेंट पावर और रियल पावर दोनों इक्वल हो गया, रिएक्टिव पावर का उसमें कोई कंसेप्ट नहीं आती है। अगली है इंडक्टिव लोड है, इसमें क्या होता है जो करंट है वोल्टेज से लैग करती है, पीछे रहती है, जो एंगल फाई है कुछ ना कुछ एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में रहती है। लैगिंग लोड किसी भी फैक्ट्री का और इंस्टीट्यूशन के लिए चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वह बेकार होती है, वह ज़्यादा करंट विड्रॉ करती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिक लैगिंग लोड से मुक्ति के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। हमारे बरेका में एलटी साइड में एपीएफसी पैनल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, जबकि एमआरएफ मेन रिसीविंग सब स्टेशन में 11 केवी पर हमारे एचटी कैपेसिटर बैंक 1800 केवीआर 1200 केवीआर 600 केवीआर के लगे हैं। जब हमारे फैक्ट्री में मोटरें वगैरह चलती हैं तो हमारे जो पावर सप्लाई का जो लोड है लैगिंग होने लगता है, उसके काउंटर करने के लिए हमारे एलटी साइड में कैपेसिटर बैंक लगे हैं। यदि उससे भी काउंटर नहीं हो पाता है तो हम लोग एचटी कैपेसिटर बैंक एमआरएफ से लगाते हैं, सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई क्वाइल है, क्वाइल के थ्रू यदि कोई करंट बह रहा हो तो उस करंट को में अगर चेंजेज हो रहा हो तो उसको प्रॉपर्टी होती है कि उसके हम अपोज करता है, उस करंट का अपोज करता है, उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस इक्वल टू होता है एन फाई अपॉन आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दैट क्वाइल, फाई है फ्लक्स ऑफ दैट क्वाइल, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्वाइल। इसकी मात्रक हेनरी होता है जिसे बेबी टर्न पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। इस स्लाइड में कुछ इंडक्टर्स दिखाए गए हैं जो एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट, वेरिएबल कोर है। अब इंडक्टेंस में जिस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़ रहे थे कि रेसिस्टर का सीरीज में हम लोग फॉर्मूला निकालते थे R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 होता था, उसी तरह से इंडक्टर सर्किट में भी सीरीज सर्किट में अगर यदि जुड़ा हुआ हो तो L total equal to होता है L1 plus L2 plus L3 and so on। पैरेलल सर्किट में सिमिलर जैसा हम रेसिस्टेंस का पैरेलल में देखते थे, यहाँ भी वही इंडक्टेंस में देख रहे हैं वन अपॉन एल टोटल इक्वल टू होता है वन अपॉन एल वन प्लस वन बटा एल टू प्लस वन बाई थ्री एल थ्री प्लस डॉट 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 फोर ऑन। अगली स्लाइड है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर होता क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स पर चार्जेज जो होते हैं स्टोर होता है, मतलब यह एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अगर कोई आइडियल कैपेसिटर है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी कभी लूज नहीं होती है। इसकी मात्रक फैराड है, C इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, वन फैराड इक्वल टू होता है वन कूलम अपॉन वन वोल्टेज। तो कैपेसिटर में होता क्या है, दो मेटल प्लेट्स होते हैं,
जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अलग होते हैं, अलग अलग रहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आइदर हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का और फो एंड इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटेंस का एक फार्मूला होता है, एफलन बटा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इनटू एरिया। सी जिसको कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, ई क्या होता है, परमिटिविटी, यह बताता है कि मटेरियल जो है उस फील्ड में कितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस प्रकार का पड़ा हुआ है ना। ए है जो पैरेलल प्लेट्स बताता है और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बता रहा है। मतलब है अगर एरिया ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज कब होती है, जब आपकी जो पावर सप्लाई वोल्टेज होती है इसके इक्वल में दोनों प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज होती है इक्वल होता है, तो उसको हम फुली चार्ज बोलेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं पोलराइज नेचर के होते हैं। एक दिखाया हुआ है, डायग्राम दिखाया हुआ है कि दो प्लेट्स लगा हुआ है और उसमें जो एक साइड में पॉजिटिव 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 चार्ज है, दूसरा नेगेटिव 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 चार्ज है और दोनों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, एक वोल्टेज फोर्स है। एक सिंबल दिया दिखाया हुआ है कैपेसिटर को, हम कैसे सिंबल से दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या फार्मूला होता है। रेसिस्टेंस और इंडक्टर का जो फार्मूला होता है जस्ट रिवर्स कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। यदि कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बटा Ct इक्वल टू होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1। जस्ट रिवर्सल ऑफ रेसिस्टर और इंडक्टर। उसी तरह से पैरेलल सर्किट में कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में आइडिया लेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है और उस कंडीशन में कोई फ्रीक्वेंसी में चेंजेज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज VP है, सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज VF है, करेंट प्राइमरी करेंट IP है, सेकेंडरी करेंट IF है। प्राइमरी कॉइल जो है नंबर ऑफ टर्न्स को अगर यदि हम NP से डिनोट कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड को NF से डिनोट कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी साइड में अगर हम फोर्स है वोल्टेज फोर्स है और सेकेंडरी साइड में जो हमारा कॉइल है आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। यह कनेक्ट कैसे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट है, जो कि इसको हम ट्रांसफार्मर कोर बोलते हैं। यह एक मैग्नेटिक पाथ देता है जिस कारण से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो फेज के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सिंगल फेज एक थ्री फेज होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर पावर के आधार पर होता है। एक कंस्ट्रक्शन के आधार पर कोर फेल बेरी टाइप के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर एक स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं। कूलिंग के आधार पर सेल्फ कूल्ड एयर कूल्ड वाटर कूल्ड ऑयल कूल्ड ऑयल एंड वाटर कूल्ड होते हैं। यह डिपेंड करते हैं कि किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है। अब किसी भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होता है,
एक होती है आयरन लॉफेफ होती है, दूसरा होता है कॉपर लॉफेफ। बाइंडिंग में जो लॉफेफ होता है उसे हम कॉपर लॉफेफ बोलते हैं। अगर उसके प्रीवियस स्लाइड हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर कोर है इसमें यदि कोई लॉफेफ हो रहा है तो हम आयरन लॉफेफ बोलते हैं। उसमें आयरन लॉफेफ में बेसिकली एक आता है ईडी करंट लॉफेफ होता है, दूसरा हिस्टेरेसिस लॉफेफ होता है। आयरन लॉफेफ किसी भी ट्रांसफार्मर को हम कैसे निकालेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू निकालते हैं, जिसमें सेकेंडरी साइड जो है पर हम लोग हाथ ओपन करते हैं अथवा कोई लोड नहीं डालते हैं। जबकि कॉपर लॉफेफ में हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग के माध्यम से निकालते हैं। अब दिखा रहा है कि कोई भी ट्रांसफार्मर का जो है कोर और बाइंडिंग किस प्रकार के होते हैं। दो तरह का दिखाया हुआ, एक सिंगल फेज और थ्री फेज का दो तरह का दिखाया हुआ, जिसमें कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में है कि अलग अलग लिम पर कोर डाला हुआ है, जबकि सेल टाइप में सेंटर में पड़ा हुआ है, एक ही लिम पर दोनों है, मतलब एचटी बाइंडिंग एलटी बाइंडिंग दोनों है एक ही। कोर टाइप में प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग अलग अलग है। बेरी टाइप में इसी तरह से मिक्स होता है, एचटी बाइंडिंग लो वोल्टेज बाइंडिंग नीचे डालते हैं, मैग्नेटिक कोर है। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में एक चीज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग के एफ डिनोट करते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। के थ्रू ही हम लोग जानते हैं कि क्या ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। यदि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वी एफ अगर प्राइमरी साइड के वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो के ग्रेटर देन वन हो गया, मतलब कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यदि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम हो गया तो वह के लेस देन वन हो जाएगा, मतलब यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसी तरह से एनएस अपन एनपी इक्वल टू के होता है। यदि सेकेंडरी टर्न ज्यादा होगी तो के ग्रेटर देन वन होगी, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। लेकिन जस्ट करंट में जस्ट उल्टा होता है, यदि प्राइमरी करंट ज्यादा है तो के ग्रेटर देन वन हो जाएगा, वैसे कंडीशन में हमारा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगी। अब हमारे BLW में जो 132 केवी पर वोल्टेज प्राप्त होता है, तो 132 केवी सब स्टेशन में 20 MVA के दो नंबर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यहाँ से दो इंडिपेंडेंट फीडर, एक कॉलोनी 33 केवी सब स्टेशन और दूसरा बर्सो सब स्टेशन के लिए जाता है। बर्सो सब स्टेशन में जो 33/11 केवी सब स्टेशन है उसमें 12.5 MVA के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिससे हमारा इंडस्ट्री को मतलब फैक्ट्री को और हमारा जो ऑफिस बिल्डिंग है उसकी सप्लाई जाती है। 7.5 MVA का ट्रांसफार्मर दो नंबर हमारे 33/11 KV कंचनपुर सब स्टेशन में है, जो कि कॉलोनी को पावर सप्लाई देता है। इसी तरह से छोटे छोटे सब स्टेशन बने हैं हमारे यहाँ। बरेका में 26 नंबर सब स्टेशन बने हैं, जिसमें 750 KVA के 63 सब ट्रांसफार्मर लगे हैं, 400 KVA के तीन नंबर लगे हैं, जबकि एक ट्रांसफार्मर जो 33/415.415 kV का 250 KVA का एक जो हमारे 132 KV स्विच यार्ड में लगे हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम लोग जाने। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। यह जो है एक डायग्राम दिखाया हुआ है मोटर का, और दूसरा है डायग्राम है कि किस तरह से जो है हमारा मोटर काम करता है। एक मोटर में एक रोटर होता है, दूसरा स्टेटर होता है। मोटर में जो रोटर पार्ट होता है मतलब वो शाफ्ट पर जुड़े होते हैं, जबकि स्टेटर में वो बाइंडिंग किया होता है। बाइंडिंग तो रोटर पर भी होता है जो कि हमारा जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। यदि हम पावर सप्लाई 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा स्टेटर पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जो कि हमारे रोटर पे जो कंडक्टर लगे हुए हैं रोटर पे वो इंड्यूस्ड होगा। दोनों में इंटरेक्शन में क्या होता है, कभी आइदर पॉजिटिव मतलब नॉर्थ पोल अथवा साउथ पोल बनती है। आफ्टर इंटरेक्शन क्या होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में एक टॉर्क जनरेट होता है जिसके कारण हमारा जो है रोटर चलने लगता है। अब हम लोग टाइप ऑफ मोटर के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ मोटर में एक होता है एसी मोटर अल्टरनेटिंग मोटर, दूसरा होता है डीसी मोटर डायरेक्ट करंट मोटर। अल्टरनेटिंग मोटर जो है उसमें दो भाग में बांटा गया है, एक सिंक्रोनस मोटर दूसरा इंडक्शन मोटर। मोस्ट कॉमन मोटर है इंडक्शन मोटर है, जिसका फैक्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे आम जीवन में भी इंडक्शन मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंडक्शन मोटर में भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दूसरा 3 फेज इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर में भी दो भाग में बांटा गया है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को भी 3 भाग में बांटा गया है, सीरीज कंपाउंड शंट मोटर। एक फार्मूला है, यदि सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहा हो कोई मोटर तो n सिंक्रोनस इक्वल टू होता है 120 f by p। f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, हमारे हिंदुस्तान की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। p है नंबर ऑफ पोल्स, जो मोटर का पोल होता है वो है। n f मतलब सिंक्रोनस स्पीड होता है। यदि 4 पोल की कोई मोटर हो तो 120 into 50 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो n सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो होती है 1500 rpm हो जाती है। यह मोटर फिलिप कैलकुलेशन है जो बताती है कि जो सिंक्रोनस स्पीड से जो एक्चुअल मोटर का स्पीड है उसका डिफरेंस कर देंगे, यदि हम सिंक्रोनस स्पीड को डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिलिप का परसेंटेज 100% से हम करेंगे गुना करेंगे और फिलिप का परसेंटेज हो जाता है। अब हम पंप के बारे में स्टडी करेंगे, पंप है क्या। तो कोई भी फ्लूड अथवा गैसेस हो, चाहे लिक्विड हो चाहे सलरीज हो, मैकेनिकल एक्शन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अगर हम किसी पंप में देते हैं तो वह हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यह लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में भेजता है, चाहे दूसरे लोकेशन में एक लोकल लोकेशन से दूर लोकेशन पर भी फ्लूड हो चाहे गैस हो चाहे सलरीज को पहुंचाने में मदद करती है। यह लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन से आवास वगैरह में चाहे टंकी वगैरह में पानी भरने में पंप का इस्तेमाल किया जाता है। एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें सबमर्सिबल मोटर का कंसेप्ट दिखाया गया है। इसमें जो हमारा फुट वाल्व है, पानी में जो आपका जो केसिंग डला हुआ है उसको डिलीवर करके ओवरहेड टैंक में पहुंचाया जा रहा है। पंप का जो टाइप है, पंप 2 प्रकार के होते हैं, एक डायनामिक प्रेशर पंप दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनामिक प्रेशर पंप को 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोपेलर टरबाइन, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को भी 2 भागों में बांटा गया है, रेसिप्रोकेटिंग रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग का कुछ एग्जांपल जो है पिस्टन पंप है, डायफ्राम है। रोटरी का गियर पंप, लो पंप, स्क्रू पंप, वैन पंप, रोटरी प्लंजर, ये सभी पंप के प्रकार हैं। ब्लोअर क्या है, करा कि कोई भी गैस हो लार्ज वॉल्यूम मात्रा में बहा हुआ प्रेशर पर किसी फैन के द्वारा अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं
तो उसे हम ब्लोअर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लोअर में जो हमारा रेट फ्लो एयर का जो वॉल्यूम है उसको किस तरह से हम कितना प्रेशर में भेजना है या कितनी मात्रा में भेजना है, वह उसके ब्लेड जो फैंस में लगे होते हैं उसके एंगल पर डिपेंड भी करते हैं। कह रहा है कि ब्लोअर को आप फैन भी बोल सकते हैं। यह जो है एक हाई प्रेशर 1.11 to 1.2 के अक्रॉस जो नॉर्मल फैन से अधिक में प्रेशर भेजता है। अब हम जनरेटर की बात करेंगे। जनरेटर होता क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह जो है फैराडेज लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब भी कोई कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर उसे हम रोटेट करते हैं, आइदर मैग्नेटिक फील्ड आइदर मैग्नेट को रोटेट करें अथवा कोई कंडक्टर को रोटेट करें, तो मैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेट एक फ्लक्स जो होता है वो कटती है कंडक्टर के बीच में। यदि सर्किट क्लोज हुआ तो उसके थ्रू करंट प्रवाहित होती है। मतलब है कि रेट ऑफ चेंजेज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद दैट कंडक्टर। अब टाइप ऑफ जनरेटर के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं, एक डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। डीसी जनरेटर हमारे DLW में डीजी सेट्स है। एक डायग्राम जनरेटर का डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि ये डीसी जनरेटर है जिसमें हमारा जो फील्ड वाइंडिंग्स जो होते हैं स्टेटर पर लगे होते हैं और हमारा आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं जो रोटर पर लगे हुए हैं और बीच में इंटरपोल है। कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं। एक पोल शू है। इसी प्रकार से एक सर्किट उसी का बनाया गया है कि एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट का दिखाया हुआ, उसमें से एक कंडक्टर है जो रोटेट कर रहा है। करंट जो है क्लॉकवाइज में दिखाया हुआ है कि कंडक्टर हमारा जो रोटेट कर रहा है। कम्यूटेटर S1 S2 वहाँ पर ब्रूफ के माध्यम कार्बन ब्रूफ के माध्यम से हम लोग करंट कलेक्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग लोड को भेज दे रहे हैं। यह जो कम्यूटेटर है जो शाफ्ट पर लगे होते हैं कार्बन ब्रूफ उसी के साथ कम्यूटेटर के साथ उस पर कंटेक्ट बनाते हैं और हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नॉर्थ साइड से नॉर्थ पोल से हमारा फ्लक्स जो है जो साउथ पोल की ओर जाती है तो हमारी कंडक्टर जो है उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड को काटती है जिसके कारण फ्लक्स में कटने के कारण क्या होता है वहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है। यदि सर्किट को यदि हम क्लोज कर देंगे तो उसमें हम लोग को करंट मिल जाती है। अब हमारे यहाँ जो BLW है उसमें डीजी सेट्स 2.4 मेगावाट के दो नंबर लगे हैं जबकि 1.75 मेगावाट के एक नंबर लगे हुए हैं। ये तीन ट्रांसफार्मर हमारे वर्कशॉप के अधीन MRF मेन रिसीविंग सब स्टेशन के पास स्थापित है। यह जो है वह 11 kV पर वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। दूसरा कॉलोनी एरिया में हमारे 500 kVA 320 kVA और 100 kVA के डीजी सेट्स लगे हैं। यह LT पर हमारे कनेक्ट होते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है, कह रहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच, आप हम नॉर्मल स्विच की बात करते हैं तो उसमें हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। आइसोलेटर की भी बात करते हैं तो हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन कोई भी सर्किट है जिसमें मान लीजिए ओवरलोड हो गया, चाहे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया है चाहे अर्थ फॉल्ट हो गया, तो उस सर्किट को हमें ब्रेक करना है। यदि ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है तो वैसे ब्रेक करने वाले स्विच गियर को हम लोग सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसका मेन बेसिक फंक्शन क्या है कि जो किसी प्रकार का फॉल्ट हुआ आइदर फॉर सर्किटिंग अर्थ फॉल्ट या ओवरलोड, उसके रिले लगे होते हैं जो कि
उस सर्किट को ट्रिप करा देते हैं और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, चाहे लाइंस वगैरह, केबल्स वगैरह हैं, वो हमारे जलने से बच जाते हैं, हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जलने से, बर्बाद होने से बच जाता है। डिफरेंट टाइप का सर्किट ब्रेकर्स हैं, MCB, MCCB, OCB, VCB, ये सब फिक्स ब्रेकर। MCB जो है और MCCB हम लोग LT साइड में इस्तेमाल करते हैं, जबकि OCB, VCB और ये सब फिक्स हम HT साइड में लगाते हैं। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दूसरा MCC मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, वायल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हमारे BH पैनल्स हैं, MRF में नए पैनल्स आए हैं, और 132 के वी पर जो हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, HT पैनल्स लगे हुए हैं, वही ये सब सिक्स ब्रेकर हैं। जबकि हमारी 26 सब स्टेशन में जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं HT साइड, वो VCB है। पहले बरेका में HT में वायल सर्किट ब्रेकर लगे होते थे, वो सारे चूंकि उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते थे, जिनको समय समय पर उनको रिप्लेस करके VCB पैनल्स लगाए गए हैं। कुछ इमेज दिया हुआ है MCB का, MCCB का, VCB का। ये कॉमन इमेज है जो हमेशा कहीं भी आप सब स्टेशन वगैरह में, चाहे MCB, MCCB तो अपने घरों में चाहे ऑफिस में भी दिखाई पड़ता है, जबकि VCB हमारे सब स्टेशन में दिखाई पड़ते हैं। केवल है, एक दिखाया हुआ है कि केवल क्या है, जो कोई भी बायर है उस पर 2 or more इंसुलेशन यदि दिया हुआ है तो वह केवल कहलाता है। अभी इसमें जो है एक केवल का पिक्चर दिया हुआ है, वह किस तरह का होता है। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर क्या है, एक इंसुलेशन दिया हुआ है, उसके ऊपर में क्या हुआ, लेड फिट दिया हुआ है, और उसके बाद बेडिंग किया हुआ है, फिर आर्मरिंग किया हुआ, सर्विंग किया हुआ है। आर्मरिंग का काम है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पेपर इंसुलेशन जो है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में फरफरकेटिंग से बचाता है, उसके ऊपर फेथिंग किया रहता है, फिर उसी को हम लोग बेडिंग कर देते हैं। फाइनली जो है सर्विंग है, जो उस पर फाइनली इंसुलेशन लग जाता है, वह हमारा केबल बन जाता है। बैटरी क्या है, कह रहा है कि बैटरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, अगर हम अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लैश लाइट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, या इलेक्ट्रिक कार के लिए में इस्तेमाल करते हैं, टाइप ऑफ सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल्स, दूसरा सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में सेल का जो टाइप होते हैं, डेनियल सेल्स, लेक्लांचे सेल, बनसेन सेल, ड्राई सेल्स, जबकि सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल्स, निकेल आयरन सेल होते हैं। कह रहा है कि कोई भी लेड एसिड बैटरी जो है, अगर फुल्ली चार्ज है तो पर सेल 2.1 वोल्टेज उसका होगा, जबकि जब डिस्चार्ज होता है तो बैटरी का जो होता है 1.8 वोल्ट पर सेल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1260 से 1280 होती है, और डेड बैटरी का 1180 होता है। यह इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि हम लोग बैटरी को हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग है कि नहीं चार्जिंग है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सही है कि नहीं है। और बैटरी के कुछ पार्ट्स दिया हुआ है कि बैटरी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक पॉजिटिव पार्ट प्लेट होते हैं जिसको लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसका कलर जो होता है डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, जबकि नेगेटिव प्लेट्स होते हैं जो लेड का बने होते हैं, प्योर लेड के बने होते हैं और सॉफ्ट स्पंजी टाइप के होते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में हम इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको में डाइल्यूट करके हम लोग डालते हैं, 3 पार्ट वाटर डालते हैं, 1 पार्ट H2SO4 डालते हैं। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट को रखा जाता है। फिर उसी तरह से कनेक्टिंग बार है, एक सेल को दूसरे सेल को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल होता है। टर्मिनल और पिलर है, वेंट प्लग है जिसे कोई किसी प्रकार के गैस वगैरह जो बनी उसको निकालने में मदद होता है, सेल कवर वगैरह होता है। अब पावर सप्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं। पावर सप्लाई क्या है कि एक कोई इलेक्ट्रिकल लोड है,
उसके वोल्टेज और करंट और फ्रीक्वेंसी उस फॉर उसके लिए जो कि हमारी सर्किट्स बने हैं उसमें जो है वोल्टेज प्रॉपर वे में है, करंट प्रॉपर वे में है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर में है कि नहीं। BLW जो है हमारे 132 केवी पर सब स्टेशन जो कंचनपुर सब स्टेशन बना हुआ उसमें हम लोग 132 केवी वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। उस 132 केवी वोल्ट को स्टेप डाउन करके हम लोग दो सब स्टेशन में ले जाते हैं, एक 33/11 के भी सब स्टेशन वर्कशॉप है, दूसरा कॉलोनी में है 33/11 के भी सब स्टेशन है। जो 33/11 के भी सब स्टेशन वर्कशॉप का है वह वर्कशॉप और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए डेडिकेटेड है, जबकि कॉलोनी सब स्टेशन जो है हमारे कॉलोनी एरिया के लिए डेडिकेटेड है। हमारे वर्कशॉप में 11/0.415 किलो वोल्ट के 15 सब स्टेशन हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड कंप्यूटर बिल्डिंग में एक एक सब स्टेशन हैं और कॉलोनी एरिया में टोटल 9 सब स्टेशन हैं। इन सभी के माध्यम से हमारे सभी लोड सेंटर पर, चाहे आवासों में हो, इधर ऑफिस में हो, चाहे वर्कशॉप में, हर एक मशीनों के पास सप्लाई पहुंचती है। ये डायग्राम हमारे BLW का है जो कि 132 के भी जो है हमारा सब स्टेशन कंचनपुर में है, वहाँ एक लाइटनिंग अरेस्टर 120 के बी का है, यह हमारे यहाँ जो लीलो लाइन के थ्रू पावर प्राप्त होती है। PT 132/110 वोल्ट का लगा हुआ है, CT है 800 एम्पियर अब्लिक 400/200 एम्पियर वाई 1 एम्पियर का लगा हुआ है, आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है। एक है बर्फोप एरिया में चले, ये जो हमारा एक बर्फोप एरिया के लिए फीडर चला गया, एक दूसरे कॉलोनी एरिया के फीडर चला गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 20 MVA के दो ट्रांसफार्मर 132/33 के भी का है लगा हुआ है। स्टेशन December 2013 में बनकर तैयार, यह जो है डिपॉजिट वर्क के थ्रू UPPCL ने निर्माण किया था। अब हम लोग 33 केवी सर्किट लाइन के बारे में जाने, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे कि दो इंडिपेंडेंट फीडर, एक वर्कशॉप का एक कॉलोनी का फीडर था, वही फीडर जो है हमारा 33 केवी लाइन में हम लोग गया हुआ है, जिसमें वर्कशॉप के लिए दो फीडर लाइन्स 33 केवी से निकाले हैं और दो है कॉलोनी का है, एक बीच में आइसोलेटिंग पॉइंट है, यदि अगर एक तरफ का ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो दूसरी तरफ से हम लोग पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर है वर्कशॉप में जो है इन पर 12 MVA के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, जबकि कॉलोनी एरिया में 7.5 MVA के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 12.5 MVA के दो ट्रांसफार्मर है जो वर्कशॉप में गया हुआ है, फिर वो सप्लाई स्टेप डाउन करते हुए MRF में गया हुआ है। MRF में दो सप्लाई जाती है, 11 KVA के सप्लाई जाता है, वो जो जिस हमारे 15 सब स्टेशन है वर्कशॉप के अधीन में, MRF में पावर सप्लाई आती है। इसमें जो हमारे जो सब स्टेशन हैं F3, B1, B2, B3, C, C1, A, G2, G1, G3, F1, F2, A, B4, ये सारे हमारे सब स्टेशन वर्कशॉप के अधीन में है, जबकि ADM बिल्डिंग और कंप्यूटर बिल्डिंग जो हमारे जो है प्रशासनिक भवन में और कंप्यूटर बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जो हमारे ऑफिस में सप्लाई देता है। हमारे यहाँ जो DG जो 3 लगा हुआ है उसमें देख रहे हैं DG1, DG2, DG3 है, जो हमारे वर्कशॉप में हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, 2.4 MW के दो डीजी फेट्स और एक 1.75 MW के एक डीजी फेट्स लगे हुए थे। हमारे यहाँ कैपेसिटर्स बैंक लगे हुए हैं HT में, ये सारे HT पैनल्स हैं जो MRF में इंस्टॉल है, जो हमारे कैपेसिटर बैंक है जो डायरेक्ट HT पर कनेक्ट किए जाते हैं। हमारे डीजी फेट्स है जिसको सिंक्रोनाइज करके हम लोग डायरेक्ट HT पर 11 KV HT पर हम लोग पावर सप्लाई लेते हैं। इसी प्रकार से कॉलोनी का है हमारा जो दूसरा 33 KV फीडर जो है कॉलोनी एरिया के लिए था, उसमें 7.5 MVA के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो कि उसका जो स्टेप डाउन करके हम लोग एक 6 नंबर सब स्टेशन में ले जाते हैं, दूसरा 2 नंबर सब स्टेशन में ले जाते हैं। और हमारे जो वर्कशॉप का जो DG है, DG का पावर सप्लाई भी हम लोग 2 नंबर सब स्टेशन और दूसरा हम लोग 6 नंबर सब स्टेशन पर प्राप्त करते हैं,
यदि हमारे यहाँ पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो हम लोग डीजी की सप्लाई एमआरएफ के थ्रू ऑफिस के अलावे कॉलोनी एरिया में भी ले सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे यहाँ 3.859 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं। अर्थिंग क्या है? कह रहा है कि कोई भी अप्लायंस हो, अगर हम उसको उसके मेटालिक पार्ट को हम अगर हम अर्थिंग कर देते हैं तो उसके थ्रू जो भी सर्किट हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें अगर जो लीकेज करंट होती है वह ग्राउंडिंग हो जाती है। इसका फायदा क्या है? तो कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह है, अगर यदि लाइटनिंग वगैरह हो रहा है तो यदि वहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, अर्थ किया हुआ है, तो हमारी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बच जाएगी। ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई भी तरह के डिवाइस हो जो जलने, उसकी इंसुलेशन पंचर होने से बचाने के लिए अर्थिंग हम लोग लगाते हैं। वहाँ हेडलाइंस हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जगह जगह पर हम लोग अर्थिंग्स लगाते हैं। अर्थिंग दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। आजकल एक मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग आता है। अर्थिंग यदि हम कहीं पे इंस्टॉल किए हैं तो वो अर्थिंग को मेंटेनेंस हम लोग कैसे करते हैं? तो उसमें पानी डालकर करते हैं, चाहे उसकी प्लेट की साइज बढ़ाकर करते हैं, चाहे उसकी गहराई बढ़ाकर करते हैं, चाहे कोई दो अर्थिंग है आपस में पैरेलल जोड़ने से क्या होता है, दोनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम हो जाती है। जैसा हम स्टार्टिंग पढ़े थे कि पैरेललिंग में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है, ऐसा भी मेथड से हम लोग यदि किसी जगह का अर्थ रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो उसे हम लोग कम कर सकते हैं। ये टाइप का ड्राइंग दिया हुआ है पाइप अर्थिंग का, प्लेट अर्थिंग का। पाइप अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वगैरह हो, चाहे बिल्डिंग्स वगैरह में हो, डीपी वगैरह को कनेक्ट करते हैं, इस अर्थिंग के थ्रू करते हैं। जनरली प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल हम लोग सब स्टेशन वगैरह में करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो है कि कोई लाइव वायर है उसको भींगे हुए हाथ से नहीं छूना चाहिए, कहीं सॉकेट्स प्लग और स्विच अगर डैमेज है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई टूल है जो कि इम्प्रॉपर वे में है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जब भी काम करें, कोई भी मशीन वगैरह पर काम करें जहाँ पर बिजली कनेक्ट है, वहाँ पर अच्छी तरह सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। अगर आपके घर में सेफ्टी डिवाइस लगे हुए हैं, फ्यूज लगे हुए हैं, चाहे अर्थिंग वगैरह लगे हों, उसको हमेशा नियमित अंतराल पर उसको हम लोग इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। और हम लोग को जो है वाटर, जो कभी कभी बिजली के से आग लग जाती है, हम लोगों को पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को जो CCL4 वगैरह जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर जो जगह जगह लगे रहते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पानी कभी नहीं डालना चाहिए। थैंक यू।